नमस्कार, आरसी यादव क्लास में आपका स्वागत है। स्ट्राइकिंग टूल्स के अंतर्गत आज आप लोगों को हैमर के बारे में बताऊंगा। हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल्स होता है। इसका प्रयोग अधिकतर फोर्जिंग, चीपिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग आदि ऑपरेशनों में प्रहार करने के लिए किया जाता है। हैमर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका हैंडल और दूसरा होता है हैमर। हैमर जो है कास्ट स्टील या ड्राफ्ट फोर्ज कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसके अलावा इसके फेस को और पिन को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। दूसरा होता है ये हैंडल, ये लकड़ी का होता है। हैमर में इसके जो पार्ट्स होते हैं, यह हैंडल हो गया, यह इसका फेस होता है, यह इसका पिन होता है, ये हिस्सा जो गोल वाला दिख रहा है यह चिक है। इसके अलावा ये हिस्सा जो गोल यहाँ पे दिख रहा है इसे नेक बोलते हैं, और यहाँ पे जिसमें हैंडल लगता है इसे आई होल बोलते हैं। आई होल्स में हैंडल को फिट करके इधर से वेज या फन्नी लगा के टाइट किया जाता है। आई होल इसलिए रखा जाता है कि हैंडल अगर मान लीजिए ढीला भी हो जाए तो चोट मारते समय अपने जगह पे आके ही रुके। अगर ये इलिप्ट या आई होल इसका जो है आई होल नहीं रहेगा, गोल रहेगा और ढीला होगा तो ऊपर से चोट मारते समय हम इधर से ले आएंगे और यहाँ पे घूम जाएगा, इसलिए इसका जो होल होता है इसे आई होल बनाया जाता है। हैंड हैमर हमेशा वजन में मिलता है। इसका जो सबसे कम वजन होता है वह 0.125 केजी से लेके 1.5 केजी तक के हैमर आते हैं। अब जहाँ पे जैसी जरूरत होती है वहाँ पे उस तरह के हैमर को आप लेके प्रयोग कर सकते हैं। हैंड हैमर में बाल पिन हैमर में यह फेस हो गया, यह इसका पिन हो गया, यह अर्ध गोलाकार होता है, इसे पिन बोलते हैं। इसका प्रयोग मार्किंग, चिपिंग, रिविटिंग के साथ साथ ब्लैक स्मिथी शॉप में गोल प्लेट होता है उस पर कप के रूप में इसके द्वारा पीट के बनाने के रूप में किया जाता है। इसके बाद क्रॉस पिन हैमर में नीचे का फेस जो होता है सेम रहता है, चिक भी वही रहेगा, लेकिन इसका जो पिन होता है वो हैंडल के अक्ष को क्रॉस करता है, इसलिए इसे क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये हैंडल का अक्ष है, हैंडल के अक्ष को ये पिन यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर रहा है। इस पिन का प्रयोग धातु चादरों में 20 स्लॉट या किसी जाब के इंटरनल भाग पे हैमरिंग करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट पिन हैमर में इसका जो पिन होता है वो हैंडल के अक्ष के सीध में होता है, स्ट्रेट में होता है, इसलिए इसे स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। इस पिन का प्रयोग रिवेट हेड को फैलाने में किया जाता है। ब्लैक स्मिथी शॉप में किसी छड़ को गर्म करके स्ट्रेट पिन हैमर के द्वारा इस पे पीट पीट के दोनों तरफ से इसकी लंबाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसे ड्राइंग आउट ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद क्ला हैमर में यहाँ पे ऊपर की तरफ फेस होता है और ये हैंडल है, यहाँ पे एक खांचे बने होते हैं जो हैंडल की तरफ झुका रहता है। इसका प्रयोग कारपेंट्री शॉप में कील को निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद स्लेज हैमर में इसके जो फेस होते हैं ये दोनों तरफ फ्लैट होते हैं। इस हैमर को घन भी कहते हैं, यह भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हैमर 1 किलो से लेके 10 किलो तक के वजन में आते हैं। इसमें जो बड़ा हैमर 10 केजी का होता है उसके हैंडल की लंबाई जो होती है 60 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक होती है। इस हैमर का प्रयोग अधिकतर ब्लैक स्मिथी शॉप में किया जाता है। साफ्ट हैमर, इस प्रकार के हैमर नर्म पदार्थों के बनाए जाते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा, पीतल, नायलॉन आदि के बनाए जाते हैं। साफ्ट हैमर का प्रयोग फिनिश पार्ट पर चोट करने या उन्हें फिट करने के लिए किया जाता है। लकड़ी के बने हैमर को मैलेट कहते हैं। यह चौकोर या गोल आकृति का होता है। इसके द्वारा सीट मेटल या धातु चादरों पर उसको सीधा करने या मोड़ने में किया जाता है। साफ्ट हैमर के अंतर्गत रा हैमर भी आता है। इसके बीच की बॉडी स्टील की होती है तथा ऊपर और नीचे चमड़े के टुकड़े लगाए जाते हैं। रा हैमर की तरह से ही नायलॉन हैमर भी होता है। इसमें बीच की बॉडी स्टील की और ऊपर और नीचे प्लास्टिक के टुकड़े लगाए जाते हैं। इसके बाद
पावर हैमर का प्रयोग बड़े जाप पे हैमरिंग एवं फोर्जिंग करने के लिए किया जाता है। पावर हैमर बिजली की मोटर द्वारा चलता है। पावर हैमर के क्रम में ही न्यूमेटिक हैमर भी आता है। पावर हैमर का प्रयोग ज्यादातर ड्राफ्ट फोर्जिंग एवं मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। हैमर का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए, अन्यथा चोट लगने की संभावना होती है। उसमें जो सबसे पहली सावधानी है कि हैमर के फेस पे कभी भी तेल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। कार्य के अनुसार हैमर के वेट का चयन करना चाहिए। हैमर का हैंडल ढीला नहीं होना चाहिए। यदि हैमर का हैंडल टूट गया है तो उस हैमर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हैमर का हैंडल हमेशा सीधा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोग देखकर समझ लिए होंगे और साथ में नोट भी बना लिए होंगे। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग दोस्तों के साथ मिलके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।